हेलो फ्रेंड्स, 2-3 साल के बच्चों को लिखने से पहले कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन एंड कर्व लाइन। जो स्टैंडिंग लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होती है, एंड द स्लीपिंग लाइन ऐसी होती है। स्लैटिंग लाइन थोड़ी, इसको स्लैटिंग यानी तिरछी लाइन भी कहते हैं, एंड द कर्व लाइन इसको हम ऐसे सी ऐसे उल्टा सी यू एंड उल्टा ऐसे यू बना के सिखाएंगे। सबसे पहले हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन क्लियर कराएंगे। आप बच्चों को स्टैंडिंग लाइन के लिए कुछ अच्छी सी पिक्चर्स ड्रॉ करके कलरफुल, तब हम उसको प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमें बच्चों को कलर स्केच पेन से या क्रॉन्स कलर से भी करा सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ फिंगर से कर रही हूँ। हम बच्चों को यहाँ पर जो ये डॉट्स हैं उसको ज्वाइंट करके सिखाएंगे, ये जिससे बच्चे स्टैंडिंग लाइन बनाना सीख जाएंगे। देन सेकंड मैंने बनाया है स्टैंडिंग लाइन का क्लाउड्स। यहाँ पर रेन को आपस में जोड़ के ऐसे, और ये बच्चे स्टैंडिंग लाइन बनाना सीख जाएंगे। सेकंड हमारा आता है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन में हम बच्चों को कोई भी दो साइड में कलरफुल पिक्चर ड्रॉ करके उनको मिलाने के लिए बोल सकते हैं। जैसे लीव्स को ट्री से हम बच्चों को ऐसे क्रॉन्स देके सीधा या स्केच पेन देके हम बच्चों को ज्वाइन करना सिखा सकते हैं। स्टार को सन से एंड द फिश को पॉट से, बटरफ्लाई को फ्लावर से, हम बच्चों को ऐसे स्लीपिंग लाइन भी की प्रैक्टिस करा सकते हैं। सेकंड देखो कि मैंने यहाँ पर स्लीपिंग लाइन की कुछ ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। हम बच्चों को इजली खुश होके कलर पेन से ऐसे डॉट ए मिला सकता है और बहुत ही इजली बच्चे इनसे सीख जाते हैं। जिनको उनको पता भी नहीं चलता वे कब सीख जाते हैं। आप देखते हैं थर्ड है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन में आप कोई भी कलरफुल पेज से बना के आप उनको दे सकते हैं स्लैंटिंग लाइन सिखाने के लिए, जिसे तिरछी रेखा भी कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों को हम यहाँ से इस लाइन से इस डॉट तक जोड़ने के कलर पेन, स्केच पेन, क्रॉस पेन से ऐसे मिलाना सिखा सकते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करने से बच्चों को स्लैंटिंग लाइन भी आ जाएंगी। देन अब हमें स्लैंटिंग लाइंस में मैंने एक हट बनाई है, जिसमें ऐसे बच्चे स्लैंटिंग लाइन दिस वन। अब यहाँ पे देखो बच्चों को हम क्रॉन्स कलर से देके यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन बनाने के लिए प्रैक्टिस करा सकते हैं। जहां तक आप कोशिश करें कलर पेन या क्रॉन्स पेन्स का ही यूज करें। ऐसे प्रैक्टिस करने से बच्चा स्लैंटिंग लाइन बनाना सीख जाता है। फिर हमारा आता है कर्व लाइन। कर्व लाइन में हमें, मैंने यहाँ कुछ बॉल्स बनाई हुई हैं, जिस पे ये बॉल्स को ऐसे अपनी क्रॉन्स कलर से, अब मैं तो फिंगर से कर रही हूँ, बच्चों को क्रॉन्स कलर से इनके ऊपर से ड्रॉ कराना, जिससे वे इजीली और आसानी से खेल खेल में सीख जाते हैं। देन मैंने कुछ बैलून्स बनाए हैं कलरफुल। बैलेंस के ऊपर यहाँ इन डॉट्स के ऊपर आप बच्चों को क्रॉन्स कलर देके या बड़ा जो मोटे वाला स्केच पेन आता है उनसे ऐसे करा सकते हो। यदि जो भी बच्चा नहीं कर पाए तो उनको फिंगर से भी आप करा सकते हो। ये हमारे कंप्लीट हो गए कर्व लाइन। आगे मैंने कुछ मिक्स बना के रखे हैं यहाँ पे, जिसे हम बच्चों को इजिली बहुत अच्छी तरह कि बोल सकते कि एक डॉट को दूसरी डॉट से मैच कीजिए। हम बच्चों को क्रॉन्स कलर से एक डॉट से दूसरे मैच करना देंगे तो ऐसे मैच करेंगे। यदि नहीं कर पाता है बच्चा तो फिंगर से भी करा सकते हो, जिससे बच्चा इजिली सीख जाता है। मैंने अपने, और ये सबसे ध्यान रखना क्योंकि डॉट्स कलरफुल से बनाना, जिससे बच्चे खुश होकर कर पाए। जैसे मैंने यहाँ पर, ये था स्लीपिंग लाइन, ये है स्टैंडिंग लाइन, जिससे बच्चों को स्टैंडिंग लाइन करना इजिली आ जाए। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे बनाया है जिसमें हमें स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन इजिली बच्चा कर सकता है। उसके बाद मैंने कर्व लाइन के लिए यहाँ पे भी बच्चा एक डॉट को दूसरी डॉट से कर्व लाइन के थ्रू
ब्रॉन्ज कलर से कर सकता है। यहाँ पर स्लैटिंग लाइन, आप अपने बच्चों को ऐसे ही कर्सिव ट्रेसिंग लाइन कराएंगे तो जिससे बच्चे इजिली सीख जाएंगे और जिससे भी इनको ए बी सी डी अल्फाबेटिंग या काउंटिंग सीखने में बहुत ही इजिली हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट्स बोर्ड में लिखना नहीं भूले। बाय बाय।